एक्सेल में कैशबुक हम कैसे मेंटेन करते हैं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले जो हमने कैशबुक क्रिएट की है उसकी वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे ऊपर हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, इसके बाद कैश इन, जो भी कैश हमको रिसीव होगा उसकी एंट्री हम यहां पर करेंगे, जब भी कैश हमको रिसीव होगा उसकी डेट, कैश हमको किससे रिसीव हुआ और कितना हुआ वो हम यहां पर बता देंगे। अब इन एंट्री के हिसाब से यहां पर हमारा टोटल आ जाएगा। सेम ऐसे ही कैश आउट के अंदर है, जिसको भी हम कैश देंगे उसकी डेट, किसको हमने कैश दिया और कितना दिया उसकी एंट्री हम यहां पर करेंगे और इन एंट्री के हिसाब से हमारा कैश आउट का टोटल आ जाएगा। इसके बाद यहां पर हमने बैलेंस निकाल दिया है। बात करते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। इसको हम फिफ्थ रो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, इसके बाद वापस से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब हम यहां पर आ जाएंगे, इन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे, यहां पर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहां पर इन दो सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इनको भी हम मर्ज कर लेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैश इन। इसके बाद इन दो नेक्स्ट सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कैश आउट। इसके बाद दोबारा जो हमारे दो नेक्स्ट सेल हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, इनको भी हम मर्ज कर लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे बैलेंस। थर्ड रो में आ जाएंगे, यहां पर भी हम दो दो सेल को सेलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज कर लेंगे। इसके बाद वापस से हम यहीं पर आ जाते हैं, यहां पर हम सिलेक्शन करेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट प्लस जो इसके नीचे वाली दो रो हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे, क्रिएट टेबल की विंडो हमारा आगे पॉपअप होगी। यहां पर माई टेबल हैज हेडर्स, इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल एक बार प्रेस करेंगे और यहां पर आकर इस टेबल का फॉर्मेट हम क्लियर कर लेंगे। ऐसे ही यहां पर भी इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डेट से लेके अमाउंट तक हम सिलेक्शन करेंगे प्लस इसके नीचे वाले दो रो को हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे, क्रिएट टेबल की विंडो हमारे आगे पॉपअप होगी। यहां पर हम माई टेबल हैज हेडर्स, इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे, ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल हम प्रेस करेंगे और यहां पर आकर इस टेबल का फॉर्मेट हम क्लियर कर लेंगे। इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इनको हम बोल्ड कर लेते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां पर हम तीन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे कैश इन। ऐसे ही यहां पर इन तीन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कैश आउट। इसके बाद हम यहां पर आ जाएंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहां पर हम क्लिक करेंगे ऑटो सम के ऊपर, कैश इन के अमाउंट के अंदर हम इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ही कैश आउट में आ जाएंगे, यहां पर भी हम ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर हम कैश आउट के अमाउंट के अंदर इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। बैलेंस के ऊपर आ जाएंगे, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल कैश इन माइनस कैश आउट, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो भी हमारा बैलेंस होगा वो यहां पर आ जाएगा। ये शीट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे उस हिसाब से यहां पर ये शीट हमारी वर्किंग करेगी। अब एक बार हम यहां पर क्लिक करेंगे डेट के नीचे वाले कॉलम के अंदर, व्यू टैब के ऊपर आएंगे, फ्रीज पेंस इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन के यूज से ये जो हमारी हेडिंग्स हैं ये हाइड नहीं होगी और हम अपनी एंट्रीज को आगे इजीली कर पाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।